लिया फिर रोटी पादो मेनू भी माइल पहले प्लेट था तो ले आऊं। हाँ बड़े से पहले मैं ले आऊं क्या पाकर से सब खा पी ली था नहीं खा ली रोटी तो खाली जा मैं ले रहा हूँ ना चाह पड़ गया। अपना जो है खाना लगा दिया है तो खा लेते हैं खाने को। लो मैं वीडियो बनाऊं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को पता है खाना जो हम खाते मेरे को दिखाओ खाना जो हम खाते हैं तो आंखें खोल के हाथों से खाते हैं, लेकिन मैं जो हूँ कुछ अलग चीज़ करूँगा। मैं जो हूँ आंखें बंद करके खाना खाऊँगा, तो देखते हैं हो पाता है नहीं हो पाता है। तो मेरी आंखें बंद हैं। सब्जी गिर गिर फिर देखे तेन पता एक अगर कर ले अगर का कुर्सी भी ना बस वीडियो में आ रहा है ना। मारा शुक्र हाथ मथा टेका खा अक्का कोल का अंका कोल बाबा जी अखा मां सुखी हो इस तरह कहने के हाथ ना करने नु अखा अखा मिर्च का खाऊं मैं खाना देख खा सकता हूं कि नहीं क्यों अखा क्यों मिच रहे बस। फ्रेंड्स देखो मैंने खा लिया, मैंने आँखें नहीं खोली थी। हाँ ठीक है चल अखा मिच फ्रेंड्स मैं आज रेडी हो गया हूँ। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। तो फिर जाना होगा, कॉलेज जाना होगा, इसलिए रेडी हुआ हूँ। नहीं कॉलेज तो बाद में जाएंगे, पहले हम जाएंगे अम्मा के पुराने घर पे बिजली के बिल का भरवाने के लिए। पहले हम बिजली का बिल भरवा के आएंगे, फिर हम कॉलेज जाएंगे। बैग रेडी हो रखा है फ्रेंड, इसको जरा ले लेंगे और फिर चलते हैं जहाँ पे हमें जाना है। फ्रेंड्स बिल जमा हो गया और अब चलते हैं अम्मा को बस स्टैंड छोड़ देंगे और फिर मैं जाऊँ स्कूल चला जाऊँगा। मैं तो सुबह से क्लास लगाते हैं ना फ्रेंड्स, तो हालत एकदम खराब हो जाती है, पतली हो जाती है हालत। मैं तो बेड के ऊपर डेस्क के ऊपर बेड की तरह लेट जाता हूँ पूरा, ताकि आराम मिले मेरे को। और बच्चे पता नहीं कैसे बैठ लेते हैं, वो तो हिलते डुलते भी नहीं हैं। मैं तो ना हिलते डुलते रहता हूँ, तो मेरे आगे पीछे जो बेंच होते हैं ना उनके भी टक 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 की आवाज़ आती है। मैं तो रह जाता हूँ कभी कभी, शायद मैडम मेरे को देख के कुछ बोलने ना लग जाए कि ऐसे टक 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 क्यों कर रहा हूँ। और बच्चे हिलते भी नहीं हैं, और बच्चों की तरफ से कुछ शोर नहीं आता, सिर्फ मेरी तरफ से शोर आता है। फ्रेंड्स इस वाले रास्ते से नहीं जाएंगे, आगे रास्ता है वहाँ से जाएंगे। यहाँ पे पुलिस खड़ी होती है, सुबह मैंने देखी थी। फिर चलान ना हो जाए ना हमारा, इसलिए तो पहले ही सेफ्टी रखो अपना, पहले उनसे बच के चलो और दूसरे रास्ते से चलते हैं। फिर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक अनोखी चीज़ दिखाता हूँ, एक पुल बना है हमारे यहाँ पे नया, तो वो दिखाता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये पहले यहाँ से ऐसे जाएगा और फिर आगे कैसे खुल रहा है, मैं अंदर से भी दिखाता हूँ। ये आगे उधर जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ है, हमें जो है इधर जाना है। हम आगे पहुंच गए बाहर, तो देखो फ्रेंड्स कैसा पुल था वो। घर पहुंच गए फ्रेंड्स, रोटी नहीं खाई अब तक। अच्छा फ्रेंड्स ये देखो इस शर्ट शर्ट लेकर आई है मम्मी मेरे लिए, और मेरे से बिना पूछे लेकर आई है। मम्मी हर बार ऐसे ही करती है, मेरे लिए कपड़े ले जाती है और फिर मेरे को जबरदस्ती पहनवाती है, तो पहन पहन पहन। एक दो बार गुस्से में तो मैंने कपड़े फाड़े भी हैं कि मेरे को नहीं पहनने, क्यों जबरदस्ती पहनवा रहे हो, टाइट होते हैं कुछ ज़्यादा लूज होते हैं, तो मैंने फाड़े भी हैं, लेकिन नहीं फिर भी मम्मी लेके आती है मेरे लिए कपड़े। तो अभी जो है फ्रेंड्स रनिंग शुरू कर देते हैं, तो शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स अभी जो व्लॉग अपलोड हो रहा है, मैंने जो व्लॉग के अंदर ना एक अलग सा नाम लिखा है, जैसे कि ना लिखा है मैंने बाहर गए सैर करने, वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी नहीं है। तो मैंने ऐसा क्यों लिखा, तो इसका रीज़न बताता हूँ मैं। जो कहते हैं वीडियो के एंड तक जो सीन था ना मेरा, जो बाहर गए सैर करने, वो वीडियो के एंड में है, तो इसलिए ना कोई लोग सोचें कि अपना ये वीडियो एंड तक दिखाने के लिए अपना इसलिए एंड का पार्ट रख रहा है, तो वैसा नहीं है। एंड का पार्ट का टाइटल डाल रहा है ना, वैसा नहीं है, ये जो है मैं खुद से डाल रहा हूँ।
ये जो हो ना मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ना और कोई सीन अच्छा था ही नहीं जिसे दिखाता, तो एंड वाला सीन अच्छा था तो इसलिए वो दिखा रहा था, तो इसलिए मैंने फिर वीडियो का टाइटल ऐसा रखा। ये देखो फ्रेंड्स बलत्ती गाय, देसी बलत्ती गाय। ये देखो फ्रेंड्स अम्मा क्या कर रही है, चाय के साथ ना अपने पैर को सेक दे रही है चाय की गर्माहट से। गिलास गर्म इस कर कर दे रही चाय का, पैर सूज रहा ना इसलिए उसको चाय की गर्माहट से सेक दे रही है अम्मा। कोई स्टोरी सुना दो, कहानी सी, कोई अपनी बचपन की बात बता दो। बचपन की क्या, कोई लड़का पसंद आया हो आपको बचपन में? बचपन में कौन से बड़े लड़के, हम तो कोई पिंडा में तो कोई लड़के ऐसे पसंद नहीं करते, शहरों में तो फिर भी जहाँ कर देते, पिंडा में तो ही नहीं किसी गल बात करने की जुलमा। अच्छा मरे जस मरे उसमें तो बिल्कुल बात करने भी जुलम थी, किसी ने देख बिना लियो किसी लड़के के साथ। अच्छा। तो जी तूफान खड़ा कर दे तो गए एकदम पिंड में, तो शहर में तो चल जा बात है, पिंडा में तो नहीं ऐसी बात चला दी कोई। अच्छा नहीं इसी लड़के गए, इस लड़के का नहीं देखा भी क्यों, इसका नहीं ये क्या लगा था तेरा, इसका नहीं देखा भी क्यों, क्यों बात करी इसके साथ पहले तो। अच्छा। हमारे टाइम में तो यही हुआ था और क्या। अच्छा अब तो कोई समझदा ही नहीं है, कोई किसी गल बात करो, किसी गल जाओ, किसी गल घूमो, उस टाइम की बात है जो हमारे अपनी उस टाइम में हम तकड़े हुए थे, जो हम उस टाइम की बात है। मामा जी देखा थे कुछ पिंड में, ये तो जावा थे बाहर स्कूल में, तो अपने स्कूल में देख दूगले दिन दर उधर, हमने तो इसी कर कर रख किसी ने स्कूल में नहीं भेजा, स्कूल भी नहीं। अच्छा हाँ स्कूल भी नहीं गए, स्कूल में नहीं गए, घर से बाहर ही नहीं जान देते, हमारा तो टाइम ही ऐसा था, ऐसे माहौल में पड़े हम तो। अच्छा हाँ हम ऐसे माहौल में पड़े हैं जहाँ के बाहर पूरा पर इधर उधर अख भी ना देखण दे, अख भी ना इधर उधर मान दे किसी की गल, बिंगी सी मत, माँ भी ऐसी थी बिंगी चीर भी ना कड्डो, सिर बाह का बाहर भी ना जाओ कपड़े बदल का। अच्छा मर तो कर के ऐसे थे जालम, बाबा बहुत चंद्रा था कि पानी कुआ था हमारे दरवाजे के मुरा, कुएं के ऊपर पानी भर दो, सड़क की गली की लड़कियां आ गई दो, हम निकल जाते बात करने के मारे भी, चल बात करेंगे भी कुएं के ऊपर पानी भरेंगे बहाना सर, पापा जब समा रहा था ना बस नहीं देख रहा था, जल्दी जल्दी पानी की बाल्टी भर लियो और अंदर आ जाओ, किसी गल बात ना करनी बाहर, किसी लड़की गल बात नहीं करनी, किसी ब्याही हुई लड़की गल बात नहीं करनी है, और किसी मतलब कुमारी लड़की ने किसी ब्याही हुई लड़की गल नहीं बात करनी है, बिगड़ जाती हैं लड़कियां, ऐसे बोलते थे हाँ पे। अच्छा पुराने बोली तो हम तो ऐसे माहौल में पड़े हैं भाई। अच्छा अब तो ऐसी बात ही नहीं है कोई है पकड़ लेंगे। मैं बताऊं अम्मा, जब मैं वहां जाता था ना ऐसे जैन स्कूल में, तब मेरे को वहां पर लड़की अच्छी लगी थी। तेरे टाइम में तो ठीक थी स्कूल में, शहर में पढ़े तम शहर में जब मैं पढ़े हैं शहर में स्कूल में जमा थे लड़कियां, लड़कियां तो एक दूसरे के साथ बात भी कर ले हैं, सारा चीजें तो कर ले हैं, पिंडा की तो पिंडा की भी लड़कियां बहुत आजाद हो रही हैं, शहर की तो है ही हैं अभी, टोक टोक नहीं रही है इस मतलब माहौल में, रोक टोक नहीं रही एक दूसरे किसी में, पता ही नहीं लग रहा। फ्रेंड्स मैं जो हूँ ना रनिंग पे चला गया था, सैर करने चला गया था बाहर, तो बाहर सैर करने भी गया, घर पे एक्सरसाइज भी करी थी मैंने, और अभी जो टाइम होगा खाना खाने का, तो फिर ये खाना लगा रखा है, ये अम्मा खाना खा भी रही है और ये मम्मी रोटी भी ला रही है। फ्रेंड्स खाना तो खा लिया मैंने, अभी जो ना मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के फ़ोन चला लूँगा, मतलब थोड़ा सा फ़ोन चला लेता हूँ और फिर बाद में जो है सो जाऊँगा।